देवी, दिस इज़ एन एचिंग ऑन पेपर मेड बाय ज्योति भट्ट इन 1970. ही स्टडीड पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग एंड फोटोग्राफी एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज मेंटर के जी सुब्रमण्यन. हम के जी सुब्रमण्यन के एक और स्टूडेंट लक्ष्मा गौर की हमने पेंटिंग पढ़ी, मैन वुमन एंड ट्री. ये ज्योति भट्ट जो थे ये भी के जी सुब्रमण्यन के ही एक स्टूडेंट थे और इनकी इस एचिंग का नाम है देवी, जो कि उन्होंने पेपर पर बनाई है 1970 में, 1977-0 में. ही कार्व्ड आउट एन आर्ट लैंग्वेज बेस्ड ऑन फोक ट्रेडिशंस एंड पॉपुलर प्रैक्टिसेस. उनका जो आर्ट था वो बेसिकली फोक ट्रेडिशंस और पॉपुलर प्रैक्टिसेस, जैसे कि देवी की पूजा तो हम आज भी सभी करते हैं. यू नो कितने फॉर्म्स है, काली है, दुर्गा माँ है, पार्वती माँ है, यू नो कितनी सारी देवियों की हम आज भी पूजा करते हैं. तो ये ऐसी बहुत सारी पॉपुलर प्रैक्टिसेस के ऊपर उनका आर्ट वर्क बेस्ड था. ही ब्रिंग्स टुगेदर मेनी विजुअल एलिमेंट्स इनटू द कॉम्पोजिट नरेटिव. His works occupy tenuous balance between space, tradition, modernity. तो हम देख सकते हैं कितनी मॉडर्निज्म के साथ उन्होंने देवी की इस प्रिंट को बनाया है. इट्स ट्रिमेंडस एंड इट्स सो यूनिक. वेयर द पास्ट एज अ वाइब्रेंट रिपोजिटरी ऑफ फॉर्म्स इज ट्रांसलेटेड इन टू डायनामिक्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी. तो वो पास्ट और प्रेजेंट को एक बहुत ही सुंदर और यूनिक कनेक्ट भी देते हैं. In this print, pictorial image of Devi is recast and recontextualized with a linear drawing of the frontal face of a woman, folk motifs and patterns. तो उन्होंने यू नो एक देवी को एक वुमेन के फेस जैसा बताया और बिल्कुल सिर्फ लीनियर, बिल्कुल सिंपल लीनियर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इन्होंने अपनी पूरे आइडिया को बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है. The portrait of Devi is centrally placed as an iconic image. The two-dimensionality of words and motifs around the portrait expresses the tantric philosophy evoking the power of self evolution and self involution. You know, तो एक हमारे अंदर जो हम introspection करते हैं या self evolution करते हैं उसको उन्होंने कैसे बताया है. ये उन्होंने जो छोटे छोटे words लिखे हैं और ये जिस तरीके से उन्होंने एक two dimensionality बताई है figure की, एक बहुत ही powerful सा print और image और impact create कर रही है हमारे mind में. Seeing reality as the intervening dynamic and static principle of shakti. But also made artworks like Kalpuruksha, self-portrait, forgotten monuments, Sita's parrot, still life with two lamps, scattered image under the warm sky, Tirthankara, etc. और इसमें बहुत ही important बात note करने की ये है कि इस structure के through उन्होंने self introspection और हमारे अंदर की जो self पावर होती है जो मेडिटेशन के थ्रू, या हमारे अंदर बॉडी में जितने भी चक्र होते हैं जिसके बारे में सुना होगा, मेडिटेशन के थ्रू हम चक्रों को अलाइन कर सकते हैं और उससे हमारे अंदर एक स्पेशल और यूनिक पावर आती है. हम बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं और हमें इतनी पावर पावर आ जाती है, हमारा माइंड और ब्रेन इतना पावरफुल हो जाता है कि हम जो चाहें उसे मैनिफेस्ट करके उसे पा सकते हैं. तो एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट थीम को टच कर रहे हैं ये आर्टवर्क. इस वीडियो में, इस चैनल पे ये वीडियो जो है, मैंने इसको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर जो है वो और स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर होना चाहिए. इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है. उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड करूँगी. उस नोट्स वाले वीडियो पर जाइए और देखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर कैसा होना चाहिए.